हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के AMU क्लास में। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो भी प्रतियोगी परीक्षा कला संबंधित हो रहा है, यानी UP, TGT, PGT, DSSB, KVS, उन सब से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं और मैं आपको वही आज बताने वाला हूं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी जो है इसका लाभ ले सकें। और मित्रों, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और कमेंट करना मत भूलिए कि क्लास कैसी लगती है आपको, कमेंट ज़रूर करा करिए, हमारी हिम्मत को मत तोड़ा करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। समकालीन मतलब होता है आधुनिक, समकालीन या उसको कह सकते हैं आप आधुनिक, ठीक है। तो कौन है उसमें से? ए रामचंद्रन, गणेश हलोई, मनीष बाबा, लक्ष्मा गौड़। तो इनमें से कौन समकालीन भारतीय चित्रकार है जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया? तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्रन जो थे चित्रकार, उन्होंने समकालीन भारतीय में ययाति श्रृंखला का सृजन किया। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है, यानी इन चारों में से कौन है जो ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ए आजकल, बी हंस, सी समकालीन कला, या डी कथ्य रूप। तो इन चारों में से कौन है जो ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो क्वेश्चन नंबर दो का आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दो का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर, समकालीन कला जो है ये पब्लिकेशन का है, ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन। और ललित कला अकादमी कहाँ है ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों द डिस्टेंस ऑफ गंगेज यानी गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? द डिस्टेंस ऑफ गंगेज यानी उसको कहते हैं गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? अजंता में, महाबलीपुरम में, बनारस के समीप गंगा कट पर जो सारनाथ हैं, या डी गंगोत्री। तो चलिए, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर तीन का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर तीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम में है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है, यानी राजस्थान में माउंट आबू है जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर मंदिर के रूप में उसको जाना जाता है, अबू मंदिर के रूप में जाना जाता है, जनकपुर मंदिर के रूप में जाना जाता है उसे, या दिलवाड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है उसे। तो राजस्थान का माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से किस नाम से वो भी जाना जाता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चार का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर चार का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी दिलवाड़ा मंदिर के रूप में, यानी राजस्थान का माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वो जाना जाता है दिलवाड़ा मंदिर के रूप में भी, यानी एक नाम उसका ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? किशनगढ़, कोटा, बसौली, या मुगल शैली? तो इन चारों में लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? क्वेश्चन नंबर पाँच हमारा यही पूछ रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज़ द राइट आंसर, बसौली। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसौली शैली आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास यानी आधुनिक मतलब इस समय जो प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है ना, आधुनिक इस समय को आधुनिक काल कहेंगे, ठीक है। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या लखनऊ स्कूल से? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल स्कूल से। यानी आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास शुरू होता है वो हमारा बंगाल स्कूल से शुरू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, ओपेक कहते हैं, यानी ओपेक है क्या? पेस्टल को कहते हैं, अपारदर्शी रंग को कहते हैं, आयल को कहते हैं या पारदर्शी रंग को कहते हैं? तो ओपेक इन चारों में से किसको कहते हैं, ठीक है मित्रों। आप हमारे चैनल पे जो भी हमारे मित्र भाई बंधु चैनल से जुड़े हुए जो कला टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको भर्ती संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो हमसे जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, एलिजिबिलिटी से लेके कुछ भी जो आपको डाउट कर रहा हो। उसके अलावा अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो वो भी आप जो है हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और मित्रों, इस लॉकडाउन में बच के सुरक्षित रहिए, अपने आप को रखिए और डेली वीडियो देखिए, क्योंकि जब वीडियो आप छोड़ देंगे बीच बीच में तो गैप करके जो है आपका कुछ टॉपिक छूट जाएगा, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज चला रहा हूँ तो आपको जो है मुश्किल भी हो सकता है और अचानक से पेपर होगा तो प्रॉब्लम भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। ओपेक कहते हैं, किसको कहते हैं ओपेक? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो अपारदर्शी रंग होते हैं उन्हीं को हम ओपेक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? यानी अपने चित्रों को बनाने में बिंदी का जो है प्रयोग कौन कलाकार करता है? सुबोध गुप्ता, रियाज कोमू, अंजू डोडिया या भारती खेर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का पूछना है कि चित्रों में अपने वो कौन सा इनमें से कलाकार है जो बिंदी का प्रयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारती खेर। कौन है? भारती खेर ही हैं जो अपने चित्रों में क्या करती हैं? बिंदी का प्रयोग करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? लखनऊ में, जोधपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद? तो जो भी कला की टीजीटी पीजीटी तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको तो ये क्वेश्चन एकदम पता ही होगा। और हमारे चैनल पे जो भी जुड़े हुए हैं हमारे मित्र भाई बंधु, उसमें खासकर जो फीमेल वर्ग है वो बहुत अच्छा रिस्पांस करती हैं। कुछ जो है फीमेल हैं जिनके कमेंट्स के जो क्वेश्चन के जवाब आते हैं बहुत बहुत बेहतरीन आते हैं, उनके लिए मैं अपने तरफ से यहाँ से वेरी गुड कहूँगा। बहुत ही अच्छा आपकी तैयारी चल रही है और बहुत ही अच्छा आप रिस्पांस ले रहे हैं मेरे वीडियो के ज़रिए। ऐसे ही लगे रहिए, मेरी जो है शुभकामनाएँ हैं कि आप अगली भर्ती में टीजीटी कला की टीचर बनेंगी पक्का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, नई दिल्ली। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अल्टामीरा की गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? जो अल्टामीरा की गुफा है उसमें किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? जंगली भैंस, हाथी, भालू या बैल? तो अल्टामीरा की गुफा है उसमें किस जानवर का चित्र सबसे अधिक आपको दिखाई पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जंगली भैंसे का। यानी अल्टामीरा की गुफा जो है उसमें सबसे ज़्यादा जंगली भैंसे के चित्र दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? इनमें से कौन वो कलाकार है जिसने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? एन एस बेंद्रे ने, सतीश गुजराल, एस एन सुजा, एम एफ हुसैन? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा
डी MF हुसैन साहब ने। किस कलाकार ने सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेस्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया था? MF हुसैन साहब ने। और इन्होंने जो है हिंदी सिनेमा में दो चार पिक्चरें भी बनाई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा मित्र क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद्र जो थे वो किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? जयपुर, किशनगढ़, मेवाड़ या कोटा बूंदी शैली के? तो निहाल चंद्र जो थे वो किस राजपूत शैली के चित्रकार थे मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, किशनगढ़ शैली के। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे निहाल चंद्र राजपूत शैली के, जो है निहाल चंद्र राजपूत शैली के जो चित्रकार थे वो किशनगढ़। और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप जरूर बताइएगा कि निहाल चंद की जो है प्रसिद्ध जो है निहाल चंद की चित्र कौन सी है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूट माध्यम से मूर्ति कला का प्रयोग कौन करता है? जूट माध्यम से मूर्ति कला का प्रयोग कौन करता है? मीरा मुखर्जी, अंजलि इला मेनन, गोंगी सरोज पाल, मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, तो जूट माध्यम से मूर्ति कला का प्रयोग इन चारों में से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मृणालिनी मुखर्जी। जूट माध्यम से जो मूर्ति का प्रयोग करती हैं मूर्ति कला का वो है मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो किस काल का है? शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना है कि विष्णु धर्म पुराण किस काल का है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, गुप्त काल। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? गुप्त काल का है। और चलिए वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई? कांगड़ा चित्र शैली जो है वो किस राजा के समय में विकसित हुई? राजा संसार चंद, राजा सामंत सिंह, राजा हरि सिंह, राजा गोवर्धन। तो कांगड़ा चित्र शैली जो है, कांगड़ा चित्र शैली इनमें से किस राजा के समय में विकसित हुई? तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका क्या होगा मित्रों? ए, राजा संसार चंद। राजा संसार चंद के समय में कांगड़ा चित्र शैली विकसित हुई। तो मित्रों कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा इसमें बताए गए कला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, जरूर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में करिए जो कला TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, बढ़ता है। तो आप लोग भी शेयर करके बांटिए और उन्हें भी तैयारी करने का मौका दीजिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जुड़ें ताकि उनको नोटिफिकेशन के रूप में रोज़ाना पर डे वीडियो मिलता रहेगा। और टेस्ट सीरीज हर रविवार को टेस्ट सीरीज आपको मिलती है कला टेस्ट सीरीज के नाम से। ठीक है, कला टेस्ट सीरीज के नाम से हर रविवार आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें से एक वीडियो पहले ही दिया जा चुका है। इस संडे को आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, तो देखना ना भूलिएगा। चलिए मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन कला से संबंधित। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।